भारत और इंग्लैंड के मैच को लेकर दो दिन बाद हुआ बड़ा खुलासा। अभी अभी बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट किया कि इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम बेईमानी से जीती थी, इसलिए आज ये मुकाबला इतने बजे दोबारा से खेला जाएगा। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं यह मुकाबला दोबारा से खेला जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज 16 अक्टूबर से हुआ था, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा। मगर दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लीग मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जबकि 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीते और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में 8 पॉइंट के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में एंट्री कर गई। मगर दोस्तों सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन लगाए, वो तो भला हो हार्दिक पांड्या का जिसने 63 रन की तूफानी पारी खेली और इस स्कोर को इतने तक पहुंचाया। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गवाए मात्र 16 ओवर तक 170 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने बड़ी आसानी से 10 विकेट से जीत लिया। भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों इस मैच को लेकर दो दिन बाद बड़ा खुलासा हो चुका है। भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना है कि इस मुकाबले में एम्पायर ने बेईमानी कराई थी, क्योंकि जिस गेंद पर जोस बटलर आउट थे वो एम्पायर ने नॉट आउट करार दिए, इसलिए एम्पायर ने इस मुकाबले में सरासर बेईमानी कराई है और एम्पायर की चीटिंग को बीसीसीआई ने भी पकड़ लिया है, इसलिए बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि इस मुकाबले को दोबारा किया जा सकता है। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपके हिसाब से इस मुकाबले को दोबारा कराना चाहिए या फिर नहीं।